एक बार फिर विवेक कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है, कैसे काम करता है। जानने से पहले हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। हम इंसानों को इस पृथ्वी पर सबसे सर्वोच्च बनाने वाली चीज़ इंटेलिजेंस है। इसने हमारे स्किल इम्प्रूव करने और मानव सभ्यता की स्थापना में सबसे अहम भूमिका निभाई है। आज अगर इंसानों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना विकास किया है तो उसमें हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हाथ है। इस बुद्धि बल पर इंसानों ने कई आविष्कार किए हैं। यह बताने वाली बात नहीं है कि आविष्कार ने मनुष्यों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। जब कंप्यूटर बने थे तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम भविष्य में स्मार्टफोन जैसी टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे, लेकिन आज ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, जो हमारे एक हर एक काम करने में हमारी मदद करता है। पिछले कुछ सालों से टेक्नोलॉजी को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने एआई रखा। इसका मूल मकसद कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाना था, जो इंसानों की तरह सोचकर समस्या का हल निकाल सके। लेकिन कई दूसरे साइंटिस्ट का मानना है कि टेक्नोलॉजी में इस तरह की डेवलपमेंट मशीन आगे चलकर मानव अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती हैं। इंसानों के लिए आने वाले भविष्य में फ़ायदेमंद होगी, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। फिलहाल हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है इसके बारे में जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है, जो ऐसी मशीनों को विकसित कर रही है जो मनुष्यों की तरह सोच सके और कार्य कर सके। जैसे आवाज़ की पहचान, किसी समस्या का समाधान निकालना, किसी को पहचानना, किसी को देखना, किसी को बातों को सुनना, लर्निंग और प्लानिंग करना, ये सब शामिल है। इसके द्वारा एक ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाने की योजना है वो ऐसे ही सोच सके जैसे ह्यूमन माइंड सोचते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इसमें परिपूर्ण बनाने के लिए उसे लगातार तैयार किया जा रहा है। इसके परीक्षण में इसे मशीनों का अनुभव सिखाया जाता है, नए इनपुट के साथ तालमेल बनाने और मानव जैसे कार्यों को करने के लिए तैयार किया जाता है। तो कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके मशीनें बन रही हैं जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके प्राप्त डाटा पर खुद बुद्धिमानी से कार्य कर सकती हैं। यानी अगर फ्यूचर में एआई कंसेप्ट और मजबूत होता है तो यह हमारे दोस्त जैसा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए क्या करना है यह आपको सोचकर बताएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अभी कुछ हद तक एआई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ गई है, जिसे हम लोग यूज करने लगे हैं। जैसे इको, टेस्ला, गूगल मैप, गूगल असिस्टेंट, चैट जीपीटी। लेकिन वो दिन अब दूर नहीं जब हम पूरी तरीके से इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगेंगे। तो यह सत्य है कि दुनिया में एआई का बहुत उज्जवल भविष्य है। भविष्य में ज़्यादातर काम और कई क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर निर्भर होंगे। यह मनुष्यों के जीवन में बहुत प्रभाव डाल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल।